17 महीने बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के बॉन्ड पर दी जमानत। मनीष सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा। मनीष सिसोदिया का जेल के बाहर भव्य स्वागत। देश प्रेम के गानों के बीच सिसोदिया ने कहा, जल्दी केजरीवाल भी बाहर आएंगे। तिहाड़ जेल से रिहा होते ही सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल की पत्नी और माता पिता से मुलाकात। सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी खेमे में जश्न। सीएम हाउस पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने बांटे लड्डू। संजय सिंह के घर भी जश्न हुआ। सिसोदिया को जमानत पर आम आदमी पार्टी ने कहा, कोई भी तानाशाही अनंतकाल तक नहीं चल सकती। संजय सिंह ने कहा, 17 महीने में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, ये मोदी सरकार पर करारा तमाचा है। सिसोदिया को जमानत की खबर सुनकर भावुक हुई दिल्ली की मंत्री आतिशी। छल के आंसू। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कैबिनेट में फिर शामिल होंगे सिसोदिया। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने सिसोदिया को जमानत पर जताई खुशी। कहा, मुझे उम्मीद है कि वो दिल्ली सरकार का नेतृत्व कर उसे सही दिशा दें। बीजेपी ने कहा, कोर्ट ने जमानत दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोप मुक्त हो गए। सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला तक जाने का काम किया। बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा देते वक्त जिक्र किया था। पीएम के भरोसा दिलाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। कहा, संविधान में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं, लेकिन मोदी जी की बातों का क्या भरोसा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान। कुल 31 सदस्यों में से लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य रहेंगे। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद की बैठक। संतों ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की। विपक्षी नेताओं की मंशा पर उठाए सवाल। राज्यसभा में सभापति की ओर से जया अमिताभ बच्चन पुकारे जाने पर भड़की जया। सभापति के अंदाज पर उठाए सवाल। सदन में जमकर हंगामा हुआ। जया बच्चन के व्यवहार पर राज्यसभा के स्पीकर भड़के। कहा, जया बच्चन नहीं बताएंगी क्या सही क्या गलत, उन्हें शिष्टाचार समझना होगा। जया के सभापति पर सवाल उठाने और विपक्षी हंगामे पर जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से रखा निंदा प्रस्ताव। कहा, विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष कर रहा धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। काकोरी कांड के 100 साल पूरे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईसिस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को किया गिरफ्तार। 3 लाख का इनामी रिजवान एनआईए की टॉप लिस्ट पर था। मेडिकल परीक्षा में धांधली को लेकर अभी भी भड़क रहा है छात्र संगठनों का गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आईसा ने एनटीए के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूपी के कई जिलों में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा। किसान संयुक्त मोर्चा ने 10 मांगों को लेकर यात्रा का आयोजन किया था। विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों के लिए जम्मू पहुंची चुनाव आयोग की टीम। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए तत्पर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर मुश्ताक अहमद मीर की अवैध प्रॉपर्टी को किया गया सीज। विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या नहीं, खेल अदालत। सीएएस में आज होगी सुनवाई। ओलंपिक खत्म होने से पहले आएगा फैसला। फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर विनेश ने दायर की थी अपील। पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज कुमार से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की। सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई। पेरिस ओलंपिक से लौटी मनु भाकर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु ने रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक से लौटे मनु भाकर ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु ने इतिहास रचा। बिहार के कटिहार में मालगाड़ी डीरेल हुई। तेल से भरे कई टैंकर पटरी से उतरे। मौके पर पहुंचा रेल प्रशासन। कई टैंकर से तेल के रिसाव की खबर भी आ रही सामने। कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के अंदर से बरामद। पुलिस को अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चला। बीजेपी ने उठाए ममता सरकार पर सवाल।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार ने लगाई छलांग, करीब 820 अंकों के उछाल के साथ 79,706 पर हुआ बंद। निफ्टी में 250 अंकों के उछाल। हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। गुजरात के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में सतारा, रायगढ़, पुणे और नागपुर के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। उत्तराखंड के चंपावत में उफानते नाले में बही तीर्थ यात्रियों की जीप, एनडीआरएफ की टीम ने 7 यात्रियों का रेस्क्यू किया। एक महिला की मौत, 2 लापता यात्रियों की तलाश जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात, शिमला में भारी लैंडस्लाइड हुई, मलबे के साथ सड़क पर आया पेड़, रास्ता बंद। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर, लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा गंगा का पानी, पानी में डूब रहे घाट। पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान के पार, इस साल पहली बार गांधी घाट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा। बिहार के कटिहार में उफान पर गंगा नदी, पानी के तेज बहाव की चपेट में आया निर्माणाधीन पुल, पुल का एक हिस्सा पानी में बहा, एक साल पहले ही शुरू हुआ था पुल का निर्माण। बिहार के बक्सर जिले में गंगा का पानी लगातार बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का बड़ा खतरा, गंगा नदी का पानी डेंजर लेवल के ऊपर बह रहा। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में भारी कटान, एक मंदिर भी पानी में समाया, कई गांव और फसलों को बाढ़ के पानी से पहुंचा नुकसान।